हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूडीज वर्ल्ड। आज हम बनाने वाले चावल के आटे की एकदम कुरकुरी चकली, जिसे हम मुरकू भी कहते हैं। सो चलिए इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चकली बनाने के लिए हमें चाहिए चावल का आटा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन, तिल और हरा मसाला। हरा मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चकली में। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक, बटर और ऑयल। हमने यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी ली है, जिससे एक अच्छा सॉफ्टनेस आता है चकली के अंदर। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा हमने यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। इस मिक्सचर को अब हम एक डो के फॉर्म में बनाएंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आटा है वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा नरम हो जाएगा तो चकली बनाने में बहुत दिक्कत होगी। इस आटे का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा चिकना रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आटा नरम हो रहा है, तो उस केस में आप चावल का थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा डालकर इसे नॉर्मल बना सकते हैं, या बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने जो डो बनाया है, अब हम इसके पेड़े बनाएंगे और चकली के मोल्ड में डालकर इसे टाइटली बंद करेंगे। चकली बनाने के लिए सबसे पहले आपको टिश्यू पेपर या बटर पेपर का इस्तेमाल करना होगा, जिससे चकली चिपके ना, और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो हम इसे आसानी से उठा सकेंगे। आपको चकली कुछ इस तरह बनाना है। चकली हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। चकली अब हम एक के बाद एक इसमें ड्रॉप करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि चकली तुरंत कलर चेंज कर रही है, इसका मतलब है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। उस स्टेज पे आप आंच को थोड़ा सा धीमा करेंगे। चकली अंदर से पकना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन चकली करने से उसका कलर, उसका टेस्ट बहुत अलग हो जाएगा। एकदम लाइट कलर हमें करना है चकली का, क्योंकि जब वो ठंडी होगी वो ऑटोमेटिकली अपना कलर चेंज करेगी। वो चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चकली हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे एक बटर पेपर या टिश्यू पेपर पे ट्रांसफ़र करेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे कोई भी एयर टाइट कंटेनर में हम इसे भर लेंगे। इस रेसिपी को आप दो तरह से सर्व कर सकते हैं, एक टी टाइम और दूसरा जब हम त्योहारों पे मिठाइयाँ बनाते हैं उसके साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।